Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ट्वीट किया है कांग्रेस द्वारा बसों को लेकर, क्या पूरा मामला है और इस ट्वीट का करने का क्या मतलब? नहीं, ये कल से फ्रांकली 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं, खास तौर से कल बहुत ज़्यादा गर्माहट आ गई थी इस चीज़ को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति में। मैंने बस ये ट्वीट किया है कि जो कांग्रेस पार्टी ने करे हैं कि हमने ये बसेस खड़ी करी हैं, मैं बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने करी है, मैं मानती हूँ ये उनकी सोच इसके पीछे बहुत अच्छी है, पर जिस तरीके से ये काम हुआ है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से हुआ है। आपने देखा होगा कि जब कोटा में हमारी मुख्यमंत्री जी ने बसेस भेजी थी उन सारे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो घर आना चाह रहे थे, जो वहाँ बच्चे फंसे हुए थे, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बस वहाँ बॉर्डर पे जाके बसें खड़ी कर दी और ट्वीट करना चालू कर दिया। वो उन्होंने पहले परमिशन ली और यहाँ तक कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, अशोक गहलोत जी ने भी, और पूरे देश से उनको इस चीज़ की वाहवाही मिली थी और कॉन्ग्रेचुलेशन मिली थी कि आपने बहुत अच्छे से उन बच्चों को घर लाके बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे से ये पूरी चीज़ हुई थी। रातों रात बसेस चली थी, बच्चे फिर टाइम से घर आ भी गए थे, नो इनकन्वीनियंस कॉज्ड। बट यहाँ आप एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर जो बना रहे हैं, आप 1000 बसेस मतलब वहाँ बॉर्डर पे खड़े कर रहे हैं, सूची आप सही बना नहीं पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आप सही दे नहीं पा रहे हैं, तो कोई सरकार क्या करे? एक प्रोटोकॉल होता है, एक ड्यू डिलिजेंस होती है, आपको फायदे से बताना चाहिए था पहले कि ये बसेस हैं, ये वाहन चालकों के नाम है, नंबर है, आप पूरा अपना जब करा लें, आप संतुष्ट हो जाएँ, हमको परमिशन दे दें, हम रेडी हैं, हम अपनी बसेस ले आएंगे। ये तो एक तरीके से मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन है। मान लीजिए जैसे मैं बहुत छोटी नेता हूँ, मैं एक विधायक हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों की बात है, पर मान लीजिए मेरी लाइब्रेरी के बाहर भी यदि कोई 1000 बसेज या वाहन लेके खड़ा होगा, मैं चाहूँगी कि पहले चेक हो कि कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन ड्राइवर हैं, मतलब कुछ तो आप पूछताछ और जाँच करेंगे इस चीज़ पर। दूसरी चीज़, बहुत से उन बसों पर आपने देखा होगा लिखा है राजस्थान परिवहन की बसेज वगैरह वो हैं, तो आपको वहाँ की सरकार ने मैंडेट दिया है, वहाँ आपको काम करना चाहिए। यूपी में भी आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके विधायक लोग हैं, आप यहाँ के फिर संसाधनों को यूज़ करके अपनी बसें इकट्ठा करें, जो भी करें। और मेरा बस ये मानना है कि पहले उनको परमिशन वगैरह पहले ले लेनी चाहिए थी। अब अगर मैं किसी और देश में प्रदेश में जाना चाह रही हूँ या कहीं भी अगर मैं अप डाउन करना चाह रही हूँ, मेरी भी पंजाब में शादी हुई है, मैं यहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड उधर हैं, यदि अगर मुझे भी जाना है या कहीं कुछ भी आगे पीछे करना है, तो ऑफकोर्स मैं पहले पास लेके या पास बनवा के या परमिशन लेके ही आदमी काम करेगा, है ना। तो आई थिंक प्रोटोकॉल उसमें फॉलो करना चाहिए था। जब पूरे देश में लॉकडाउन नहीं है, बस एक प्रदेश का मामला तो नहीं है, ये तो एक वैश्विक महामारी है, तो आई जस्ट थिंक कि ये चीज़ ऐसे अगर वो पहले परमिशन दे देते हो, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ये जो उनकी लिस्टें हैं ये भी साफ होती हैं और क्लियर होती, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम होता। अगर आपको वाकई मदद करनी थी, आप पहले परमिशन वगैरह ले लो, तो मुझे इसलिए लगा कि इसमें राजनीति करना होगा। मैडम, इसलिए जो राजनीति जो पॉलिटिक्स को, मैं ये नहीं कह सकती कि किसको मैं जिम्मेदार मानती हूँ, पर हाँ मुझे लगता है कि जो जिन्होंने ये सूचियाँ बनाई हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जहाँ भी ये लिस्टें बनी हैं, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.